स्वागत है नया इंडिया टीवी के आज प्रोग्राम के पार्ट दो में। इसमें पर्दे के पीछे की बातों, राजनीति को बताने वाली गपशप है तो हल्ला प्राप्त मुद्दे का, मसले का खुलासा भी। सो सुने और पाएं बेबाक बेधड़क जानकारी, वह सोचे कि क्या सही है और क्या गलत। पहले जाने सुने आज की गपशप। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लालू प्रसाद के बेटे तेज प्रताप की शादी में जाने और वहां दोनों नेताओं के बीच की केमिस्ट्री देखकर चिंता में। भाजपा के प्रदेश के सबसे बड़े नेता और कॉलेज के जमाने से लालू प्रसाद के दोस्त रहे सुशील कुमार मोदी शादी में नहीं गए। सुशील मोदी का गैर हाजिर होना और नीतीश कुमार का शादी में पर्याप्त समय देना दोनों चर्चा का विषय है। नीतीश ने शादी में जाकर औपचारिकता पूरी नहीं की। वे न सिर्फ मंच पर गए और वर वधू को आशीर्वाद दिया बल्कि लालू प्रसाद के पूरे परिवार से मिले। उन्होंने एक साथ बैठकर राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और मीसा भारती के साथ फोटो खिंचवाई। मंच पर खुद लालू प्रसाद ने उनका स्वागत किया। तभी सवाल है कि क्या लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के संबंधों में फिर नरमी आ रही है या नीतीश कुमार ने इस मौके का राजनीतिक इस्तेमाल किया। जदयू के जानकार नेताओं का कहना है कि अभी फिलहाल तो दबाव की राजनीति हो रही है। नीतीश कुमार ने भाजपा नेताओं की इस बात का जवाब दे दिया है कि इस बार वे भाजपा से अलग हुए तो कहां जाएंगे। नीतीश ने बता दिया कि लालू प्रसाद के यहां उनके लिए दरवाजे पूरी तरह से बंद नहीं हुए और अगर भाजपा ने उन पर दबाव दिया तो वे मेरी नहीं तो तुम्हारी भी नहीं वाली राजनीति पर उतरेंगे। लालू प्रसाद के परिवार में शादी के बाद क्या सब कुछ सामान्य रहेगा या टेलीविजन पर चलने वाले धारावाहिकों की तरह परिवार का ड्रामा शुरू होगा। लालू परिवार की जानकारी रखने वाले सूत्रों का कहना है कि पार्टी के कई नेता सक्रिय हो गए हैं। उनका कहना है कि लालू प्रसाद की गैरहाजिरी में तेज प्रताप के ससुर चंद्रिका राय राजनीति कर सकते हैं। एक जानकार नेता के मुताबिक पिछले दिनों किसी ने चंद्रिका राय को सलाह दी थी कि वे अब अपनी सीट छोड़ दें और बेटी को वहां से चुनाव लड़वाएं। यह भी कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती की तरह ऐश्वर्या की भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, वे चुनाव में उतरने के बारे में सोच सकती हैं। तभी कहा जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में परिवार के भीतर राजनीतिक दांवपेश शुरू हो सकते हैं। ध्यान रहे, तेज प्रताप पहले भी कई बार कई किस्म के ड्रामे कर चुके हैं। चुनाव लड़ने से लेकर मंत्री बनने तक उनको हैंडल करना लालू प्रसाद के लिए भी भारी पड़ता रहा है। अब लालू प्रसाद की गैरहाजिरी में उनको संभालना बहुत मुश्किल होगा। तभी कहा जा रहा है कि एम करुणानिधि और एचडी देगौड़ा के परिवार की तरह लालू प्रसाद के परिवार में भी बड़े भाई बनाम छोटे भाई का विवाद हो सकता है। बहुजन समाज पार्टी के नेता मायावती ने कांग्रेस को चेतावनी दी। उनकी चेतावनी की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उधर जब कर्नाटक सरकार बनाने का ड्रामा चल रहा है तब उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने अगर चुनाव प्रचार के समय जेडीएस को भाजपा की बी टीम नहीं बताया होता तो अच्छा रहता। उनका कहना है कि जेडीएस को भाजपा की बी टीम बताने से भाजपा को फायदा हुआ। हालांकि लिखित बयान जारी किया इसलिए कोई पूछ नहीं सका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेडीएस को कांग्रेस की बी टीम बताया था तो उसका फायदा कांग्रेस को हुआ या नहीं। बहरहाल मायावती ने विपक्षी जुटता की जरूरत बताई है और साथ ही कांग्रेस व राहुल गांधी पर हमला भी किया। उनका बयान जारी होने के तुरंत बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसका समर्थन कर दिया। कांग्रेस के एक जानकार नेता का कहना है कि कर्नाटक के चुनाव नतीजों ने कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया है। हालांकि वे इसमें भी कांग्रेस और दूसरी पार्टियों का भला देख रहे हैं। उनका कहना है कि जैसे चुनाव नतीजे आए और उसके बाद भाजपा ने जिस तरह से सरकार बनाने के लिए काम किया उससे पार्टियों की चिंता बढ़ी है और अब उनके पास एकजुट होकर लड़ने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा। आप देख रहे हैं सोचें सोचना जरूरी है। अब है खुलासा। ताज़ा सुर्खियों में और बहस में जिस बात ने आपको भड़काया है या कंफ्यूज किया है उसका मतलब क्या है और ओढ़ छोर क्या, इसे समझने के लिए अब देखें आज का खुलासा। देश की राजनीति इस समय जैसे तो तैसे वाले मोड में चली गई है। राजनीतिक विमर्श का ये दौर आ गया है जब किसी भी फैसले को न्यायसंगत ठहराने के लिए ये तर्क दिया जा रहा है कि तुमने भी ऐसा ही किया था। राहुल गांधी ने रायपुर में कहा कि देश में भय का माहौल है और पाकिस्तान जैसे हालात बन रहे हैं, तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि राहुल अपनी पार्टी का इतिहास भूल गए हैं। उन्होंने राहुल गांधी को इमरजेंसी की याद दिलाई। इसी तरह कर्नाटक में राज्यपाल वजूभाई वाला ने जब एचडी देवगौड़ा के बेटे एचडी कुमार स्वामी को बहुमत के लिए जरूरी विधायकों की संख्या की सूची दिए जाने के बाद भी सरकार बनाने के लिए नहीं बुलाया तो कहा गया कि इतिहास दोहराया जा रहा है। भाजपा के नेताओं ने कहा कि वजूभाई वाला जब गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष थे उस समय देवगौड़ा देश के प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने सुरेश मेहता की भाजपा सरकार को बर्खास्त किया था। गौरतलब है कि उस समय शंकर सिंह वाघेला भाजपा से निकले थे जिससे राज्य सरकार अल्पमत में आ गई थी और राज्यपाल ने सरकार को बर्खास्त कर दिया था। अब इस तर्क का क्या मतलब है कि 22 साल पहले देवगौड़ा के प्रधानमंत्री रहते एक भाजपा सरकार बर्खास्त हुई थी, इसीलिए देवगौड़ा के बेटे को शपथ के लिए नहीं बुलाना न्यायसंगत है।
इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी और उसे देखने और झेलने वाले बहुत से लोग आज कह रहे हैं कि हालात उससे भी खराब है। अघोषित इमरजेंसी लगी है। मीडिया, न्यायपालिका, राजनेता कभी इतने डरे सहमे नहीं रहे जितने अब हैं। ऐसा कहने पर अगर भाजपा के नेता इमरजेंसी की याद दिला रहे हैं तो इसे क्या कहा जाए? क्या कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी लगाई थी इसलिए इमरजेंसी जैसा माहौल बनाने की अनुमति भाजपा या किसी और पार्टी को भी मिल सकती है? इमरजेंसी के लिए इस देश के लोगों ने कांग्रेस और इंदिरा गांधी को भरपूर सजा दी थी। न सिर्फ कांग्रेस हारी थी बल्कि इंदिरा और संजय गांधी भी चुनाव हार गए थे। जाहिर है कांग्रेस आजादी के बाद के 70 वर्षों में से 55 साल देश की सत्ता में रही है और उसने ढेरों अच्छे बुरे काम किए हैं। ऐसा लग रहा है कि मौजूदा सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी ने कांग्रेस के तमाम बुरे कामों की सूची बना रखी है और ये भी फैसला किया है कि उसे भी वो काम करने हैं और इस तर्क के आधार पर उसे न्याय संगत ठहराना है कि कांग्रेस ने भी ऐसा किया था। सवाल है कि क्या कांग्रेस ने जो किया था वही करने के लिए देश के लोगों ने 30 साल के बाद वैचारिक रूप से कांग्रेस की सबसे स्पष्ट विरोधी रही पार्टी को सत्ता दी है? असल में देश की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। 4 साल पहले जब नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत लेकर सरकार में आए थे तब एक दौर शुरू हुआ था। वो हर जगह कहते थे कि कांग्रेस ने जो गड्ढे किए हैं उनको भरना है। वो हर गड़बड़ी के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराकर पल्ला झाड़ लेते थे। उनके सत्ता में आने के बाद काफी समय तक चीजें ठीक नहीं हुई तो इस तर्क से बचाव किया जाता रहा कि कांग्रेस ने सिस्टम इतना खराब कर दिया है कि उसे ठीक करने में समय लग रहा है। लेकिन 4 साल बाद उस तर्क से अपनी विफलता का बचाव नहीं किया जा सकता था, इसलिए अब बदले वाली राजनीति का दौर शुरू हो गया है। अब अपने काम से लोगों को आकर्षित करके उन्हें अपने साथ जोड़ने की बजाय जोड़ तोड़ के जरिए सत्ता हासिल करने की राजनीति शुरू हो गई है और उसमें ये तर्क काम आ रहा है कि कांग्रेस ने भी पहले ऐसा किया हुआ है। ये ध्यान रखने की जरूरत है कि कांग्रेस ने जो गलत काम किए थे उसे ठीक करने के लिए ही लोगों ने भाजपा को सत्ता दी है। इससे पहले जब भी कांग्रेस हारती थी तब समाजवादी सिद्धांतों वाली पार्टियां सत्ता में आती थी। 1977 और 1996 में ऐसा हुआ था। 1998 और 1999 में भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो वो जनता दल यू, TDP, DMK जैसी पार्टियों के दम पर चली जो राजनीतिक रूप से तो कांग्रेस के विरोधी थी लेकिन वैचारिक रूप से कांग्रेस के सिद्धांतों पर ही चलने वाली थी। ये पहली बार हुआ कि लोगों ने वैचारिक रूप से कांग्रेस की सबसे बड़ी विरोधी पार्टी भाजपा को पूर्ण मत दिया। इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि ये सरकार उन सब चीजों को ठीक कर देगी जो गलत थी, पर 4 साल के बाद चक्र घूमकर फिर उसी बिंदु पर है। सरकार वही सारे काम कर रही है और इस तर्क से उसे नया संकट ठहरा रही है कि कांग्रेस ने भी ऐसा किया था। भाजपा के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस ने राजभवन का दुरुपयोग किया, अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया, न्यायपालिका को दबाया, मीडिया को दबाने का प्रयास किया। इसमें कोई संदेह नहीं कि कांग्रेस ने ये सब किया, पर क्या इसी वजह से भाजपा भी ये सारे काम करेगी? YouTube पर नया इंडिया TV की इस चैनल पर सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वहाँ जो घंटी बनी हुई है उसे दबाएं ताकि नया एपिसोड अपलोड होते ही आपको सूचना मिले।